मौसम ना यार बहुत सुकून वाला हो रहा है। आज नहीं, कई दिनों से हो रहा है ऐसे। ये बाल वाल ये सही नहीं लग रहा, हटा लेते हैं है ना। चलो आ जाए। वो थी 15 जुलाई, आज है 16 जुलाई। कल का जितना भी आपने फुटेज देखा बस उतना ही था, खत्म। क्योंकि इस मूर्ख प्राणी ने फोन चार्ज ही नहीं किया, दिन खत्म। हेयर कट वेयर कट जो लेना था वो तो ले लिया, इस अवतार में आए। फिर हम उसके बाद आज 16 जुलाई सेम जगह वहीं बैठा हूँ जहाँ से कल स्टार्ट किया था, बट दिन अलग हो गया, कहानी नहीं। परफेक्ट ये वाली जो घास दिख रही है आपको, ये मैं कई दिन बाद देख रहा हूँ, और शायद इसको दूब कहते हैं। दूब, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बट ये घास कुछ ऐसी है कि मेरा एक पेट हुआ करता था जिमी, वो जब भी, अब वो नहीं है इस दुनिया में वो, बट जब भी वो बीमार होता था उसका ये एक तरीके से एंटीडोट हुआ करता था। वो पता नहीं इसको खाता था और उसे ही हो जाता था। ऐसा कुछ मेडिकली प्रूवन नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा था, बॉडी को सूट करता था और एक खाता था और वो सही हो जाता था। काश हम भी ऐसे कुछ खाते, सही हो जाता मैं भी। बढ़िया है। ये तो रेनबो वाला मौसम हो रखा है, यू नो रेनबो मौसम, जब बारिश भी हो रही हो और धूप भी हो। बारिश आती है ना, कहानियां सुनिया याद आती है हमारे दिमाग में सबसे पहले। मैंने बहुत सारे मिथ्स ऐसे आपने भी सुनी होंगी कि रिलेटेड होती है बारिश और धूप से, कि बारिश और धूप जब एक साथ आती है तो पता नहीं क्या क्या होता है। मुझे कुछ कुछ जो याद है जो बचपन में सुनी होंगी मैंने, मैं बताता हूँ। पहला कि कहीं पे किसी लोमड़ी की शादी हो रही होगी, और पता नहीं आज के दिन कौन लकी टुनाइट कहलाने वाला है। दूसरा, ये कोई धूप से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ऐसा सुना होगा आपने कि कढ़ाई में खाना मत खाओ वरना शादी में बहुत बारिश होगी। या बी वेयर, ऐसे पता नहीं कितनों की शादियों में बारिश होने आ रही है, बी वेयर। तीसरा ये सुना है मैंने कि कोई शेर नहीं बच्चा हो रहा हो, ऐसा ही कुछ। ऐसे बहुत से होंगे यार, बताना कोई हो आपको बता दो, जस्ट लेट मी नो। यार अभी बाहर जाने का था सीन, रनिंग वनिंग करने, बट बारिश रुक नहीं रही है। हल्की हो गई है बट रुकी तो नहीं है। पता नहीं, टाइम भी बहुत हो गया है, अंधेरा ना हो जाए। बारिश से कई फायदे हैं, लेकिन यार इस मौसम में कई मेरे को ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना थोड़ी इरिटेट भी करती हैं। कहीं बाहर नहीं जा सकते, खैर वो तो अलग रीज़न हो गया। कई चीज़ें ऐसे ही हैं जो रुक जाती हैं, तो फायदा ही बहुत है। लेकिन बारिश तो खैर यार अभी रुक गई है, बट आई डोंट नो कि मैं रनिंग वनिंग करने जाऊंगा कि नहीं अभी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आई एम नॉट श्योर कि अभी जाऊंगा कि नहीं, देखते हैं। A few moments later. तो भैया मैंने डिसाइड कर लिया, मैं चाह रहा हूँ रनिंग करने। बारिश भी रुक चुकी है और जब मैंने सोच ही लिया था तो जाना तो बनता है ना यार, ऐसे खाली बैठे को फायदा नहीं। और हाँ, ये मास्क मैंने पहना हुआ है, अभी मुझे अचानक से याद आया कि अभी डॉक्टर्स ने कुछ रिपोर्ट दी है कि मास्क लगा के कोई फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जिमिंग, ये अभी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकता है।
तो अभी मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बट पता नहीं इसको पहन के फिजिकल एक्टिविटी करना ज़्यादा सेफ है कि उतार के, अगर आपको पता हो तो बताना मुझे। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।